नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। मैं हूँ शेफ गिरी दुबे। आज की रेसिपी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। उससे पहले कि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर आप लोगों को शेयर कर दें मंचूरियन की रेसिपी। तो सबसे पहले हम बॉल बनाएंगे। तो हमने बारीक बारीक वेजिटेबल काट लिया, जिसके अंदर बीन्स है, कैरेट एंड पत्ता गोभी और कॉर्नफ्लोर, मैदा, ग्रोथ पाउडर, सॉल्ट और व्हाइट पेपर। तो चलिए हम सबसे पहले रेडी कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। इसके अंदर हमने सॉल्ट डाला है और सॉल्ट डाल के रख दिया है। देखिए गीला दिख रहा है और इसका हम इसको निचोड़ के इसका हम पानी निकाल लेंगे। आपके पास अगर कपड़ा है, कोई काटन का कपड़ा, तो उसमें बांध के भी निचोड़ सकते हैं आप, और हाथ से चाहें तो आप हाथ से ग्लोव्स पहन के आप निचोड़ सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। इसका हमें बेसिकली सबसे पहले पानी निकालना है वेजिटेबल का, और फिर बाकी आइटम मिक्स करके दिखाते हैं आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग पानी नहीं निकालते हैं तो आपका जो बॉल होगा वो पूरा गीला हो जाएगा अंदर से। सॉल्ट, ओनली सॉल्ट डाल के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ना है। देखिए इसको हमने निचोड़ लिया और अब ड्राई हो गया। अब इसके अंदर हम मिक्स करेंगे। जैसे आप लोग इसके अंदर सॉल्ट डालते हैं तो आपका क्या होता है कि पूरा पानी छोड़ने लगता है वो, और निचोड़ देंगे तो पूरा पानी निकल जाएगा। तो चलिए हमारा लाइक जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करना है तो वीडियो के नीचे बटन है रेड कलर का, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए हम इसको मिक्स कर लेते हैं। हाफ टी स्पून इसके अंदर हम वाइट पेपर डालेंगे, एक टी स्पून ही, और हाफ टी स्पून इसके अंदर हम ग्रोथ पाउडर डालेंगे, टेबल स्पून इसके अंदर हम मैदा डालेंगे मंचूरियन बॉल बनाने के लिए, 2 टेबल स्पून मैदा, फ्लोर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला, मिक्स कर लेंगे। जैसे हम पानी के छींटे मारेंगे, जैसे आप लोगों को दिखाया था मैंने, करीब हम इसमें ज़्यादा 25 ग्राम पानी, और बॉल इतना ही टाइट रखे इसके लिए। अभी ये वेजिटेबल पानी छोड़ेगा तो और गीला हो जाएगा, तो इतना टाइट रखे। अभी वेजिटेबल थोड़ी देर में पानी छोड़ेगा तो और गीला डीप हो जाएगा। तो आप अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ऑलरेडी गीला हो जाएगा और आपके बॉल नहीं बनेंगे, तो इतना टाइट ही रखना आपके लिए। तो चलिए हम बॉल बना लेते हैं इसके मंचूरियन के। इस तरीके से हम बॉल बना लेंगे, लेकिन आप लोग नहीं बना पाएंगे, इसलिए आप लोग दिखाए कि हल्का सा टाइट में ही बनाएं, तो काफ़ी और ये अभी और हल्का सा पानी छोड़ देगा। इस तरीके हम बॉल बना लेंगे, और चलिए हम इसको फ्राई कर लेते हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ स्लो ही फ्लेम में पकाना है। अगर फास्ट फ्लेम में पकाएंगे आप, फास्ट में पकाएंगे तेल ज़्यादा गर्म होगा तो आपका मंचूरियन अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से आपका दिखेगा पक गया है। इसको आपको बिल्कुल स्लो में पकाना है। तो चलिए पक चुका है, देखिए इस तरीके से आप लोगों को पका लेना है। तो चलिए हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं और लाइक जरूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने चॉप चिल्ली लिया है, चॉप गार्लिक, टमाटो और जिंजर और मंचूरियन के बॉल एंड टमाटो केचप, ग्रोथ पाउडर, वाइट पेपर, सॉल्ट, वेनेगर, चिल्ली पेस्ट, सोया सॉस। तो चलिए हमें स्टार्ट करते बनाना। 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल डाला है मंचूरियन बनाने के लिए, 1 टेबल स्पून जिंजर चॉप, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिल्ली, 1 टी स्पून डालेंगे हम, 1 टेबल स्पून ब्राउन हो जाने चाहिए। और अब इसके अंदर हम बटर ऐड करेंगे, पानी तो हम मंचूरियन ग्रेवी बना रहे हैं तो इसके अंदर करीब हमने 200 ग्राम पानी डाला है। और अगर आपके पास वेजिटेबल वाला वेजिटेबल डाल के स्टॉक बनाते हैं तो आपके पास वेजिटेबल डाल दें उसमें, और उसको पानी को अच्छे से उबाल लीजिए, ब्लांच कर लीजिए और वेजिटेबल के साथ में, और उसको वेजिटेबल छान दीजिए और तो उस पानी को यूज करिएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। पेस्ट डालेंगे हम 1 टी स्पून केचप, 1 टी स्पून, 1/2 टी स्पून, और सॉल्ट तो हमेशा आप स्वाद अनुसार डालें, वाइट पेपर ग्रोथ पाउडर 1/2 टी स्पून और वाइट पेपर 1/2 टी स्पून, और ये जो हमने बताया था आप लोगों को कॉर्नफ्लोर का जो बैटर होता है ये डालेंगे, इससे ठीक होता है ग्रेवी। तो चलिए हम तो उससे 3 टी स्पून ये डाल देते हैं, ग्रेवी देखिए ठीक होने लग गई। अब हम सोया सॉस डालेंगे, सोया सॉस डाला 1 टी स्पून, और आप लोग देख लीजिए ज़्यादा नहीं डालें ना तो आपका काला हो जाएगा और टेस्ट भी कड़वा हो जाएगा, सोया सॉस ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, तो इस तरीके से कलर आना चाहिए। कप डालेंगे और आप मंचूरियन के बॉल डाल देते हैं इसके अंदर, और थोड़ा सा वेनेगर डालेंगे 1/2 टी स्पून,
और इस तरीके का कलर होने चाहिए, ये देखिए। और हमारा मंचूरियन कंप्लीट, देखिए हमारा मंचूरियन कंप्लीट, और इस तरीके से कलर होना चाहिए। और ये हमारा मंचूरियन कंप्लीट, इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं। तो देखिए हमारा मंचूरियन हमारा रेडी है, इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं। तो हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए लाइक